तो हम लोग निकल लिए हैं महाबलेश्वर के लिए और आज अनीशा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे महाबलेश्वर। कितनी खुश हो रही है अनीशा? पापा जी पापा जी, ये तो पापा महादेव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड। तो ये है 3 दिसंबर का ब्लॉग, जिसमें सनाइशा का बर्थडे था और हम लोग निकल लिए थे महाबलेश्वर के लिए। तो बस ये दीदी के बिल्डिंग के नीचे का ब्लॉग है। जीजा जी, उनकी मदर, दीदी की मदर इन लॉ और हमारी मम्मी और मैं और मेरी फैमिली, दीदी की फैमिली यानी हम लोग थे और भाभी और कोहू। तो 2 कार हमने की थी, एक रेंटल थी वैगनर और बाकी ये जीजू की गाड़ी थी। अब व्यू देख सकते हैं, व्यू बहुत शानदार है। एक्चुअली पुणे में उस टाइम पे बारिश हुई थी 2 दिन लगातार, तो फर्स्ट टाइम फॉग हो रखा था। अदरवाइज पुणे में वेदर जो है बहुत नॉर्मल था, काफ़ी प्लेजेंट वेदर था। और ये बीच में टनल पड़ता है तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया क्योंकि अच्छा लग रहा था। पहले हम जाएंगे पंचगनी क्योंकि रास्ते में पड़ेगा, तो पंचगनी घूमेंगे। 2-3 पॉइंट्स जो मेन है एंड देन वी विल गो टू आवर होटल इन महाबलेश्वर। तो हमारा स्टे महाबलेश्वर में रहेगा 2 नाइट्स का। तो बीच में हम रुके थे जोगेश्वरी मिसल एंड भेल। एज यू ऑल नो, पुणे में, महाराष्ट्र में मिसल पाव बहुत फेमस है। तो हम रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए जोगेश्वरी पे। और यहाँ एक्चुअली था कि खाली मिसल पाव ही थे, हमें बच्चों को कुछ नहीं मिला। तो बच्चे तो मिसल पाव कैसे खाएंगे ना, बहुत स्पाइसी होता है। बट ये था कि स्पेशलिटी है और मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया था, हम लोगों ने तो जीजा जी और दीदी ने घर पर मंगा के खिला दिया था हमें पहले भी। तो इसलिए हम यही रुक गए थे कि चलो कुछ स्पेशल चीज़ खाई जाए, कुछ डिफरेंट चीज़ खाई जाए। तो बस हमने यहाँ पे ऑर्डर किया स्पेशल मिसल पाव। ये सामने मेरे देख रहे हैं आप प्लेट, ये है स्पेशल मिसल पाव और काफ़ी टेस्टी होता है, स्पाइसी होता है। यानी मुझे फूड तो बहुत ही अच्छा लगा महाराष्ट्र का। ये दीदी की मदर इन लॉ हैं और मेरी मम्मी और ये मेरे हस्बैंड। हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया मिसल पाव, भाभी को भी बहुत पसंद आया। मुझे अच्छा लगा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है ब्रेड हो, बट यस टेस्ट वाइज इट्स वेरी नाइस। और फिर नाश्ता करके हम निकल गए थे आगे अपने मंजिल की तरफ। तो पुणे से ये 3 आवर्स का रन है महाबलेश्वर का और पंचगनी पड़ता है महाबलेश्वर से, बस थोड़ा सा ही पहले पड़ जाता, ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट इतना ही ज़्यादा होगा। तो जाते जाते ही हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं व्यू, वेदर, पहाड़ और फॉग हो रही है, तो बहुत अच्छा व्यू था एंड काफ़ी अच्छी जगह है। अब मुझे पुणे सिटी भी बहुत अच्छा लगा एंड ये सराउंडिंग्स जो हैं, एडजेसेंट प्लेसेस हैं, वो भी बहुत अच्छे। लोनावला और आपका ये महाबलेश्वर, पंचगनी काफ़ी अच्छी जगह है वीकेंड्स के लिए, स्पेशली जो पुणे रह रहे हैं उनके तो वीकेंड्स का यही स्पॉट होता है, वीकेंड स्पॉट। एंड बहुत बहुत अच्छा था। Apa? और ये मेरी कोहू थी हमारी, जो बहुत मस्ती कर रही है, मेरे भाई की बेटी। सब इसको जान ही चुके होंगे, इसका बर्थडे ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा जयपुर का। और ये देखिए व्यू, यानी व्यू पे से नज़र ही नहीं हट रही थी, इतना अच्छा जो व्यू है वहाँ का, बहुत ही बहुत अच्छा। और आप ये हम पहुँच गए हैं टेबल टॉप, ये टेबल लैंड है, हाईएस्ट जो माउंटेन्स हैं कहा जाता है महाराष्ट्र की, है बिल्कुल फ्लैट माउंटेन्स हैं ये टेबल टॉप जिसको बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम टेबल टॉप है बिकॉज इट्स वेरी फ्लैट। ये माउंटेन्स जो है बिल्कुल फ्लैट हैं। और फिर ये हम रथ में बैठ के हम चले गए थे पॉइंट्स पे, जो पॉइंट्स इन्होंने दिखाए थे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, मैंने जो भी गाइड ने हमें बताया मैं उसको ऑन रखूँगी, फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, आप भी सुनिए वो क्या बता रहे हैं। यहाँ पे वो बता रहे थे कि पांडव जो थे उन्होंने यहाँ पे रहे थे, खाना बनाते थे। तो इस तरीके से, तो आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से ये घोड़ा गाड़ी कर सकते हो। हमने घोड़ा गाड़ी की थी क्योंकि हमारी फैमिलीज थी। आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग से वो 5-6 पॉइंट्स घुमाते हैं, इससे आपको हाफ घुमाते हैं। हम हाफ गए थे, इसका केव्स है यहीं पे, वो केव्स हम दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए एंड ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
माउंटेन के ऊपर फ्लैट जमीन होने का टेबल पॉइंट कहा जाता है। थोड़ा बैक में हो जाओ, पूरा साइड से पहाड़ है, ऊपर से प्लेन फ्लैट होकर के पॉइंट को टेबल कहा जाता है। फोटो आराम से निकालो, पहला जानकारी सुनो। नहीं, वीडियो चल रहा है मेरा, तो कोई नहीं बोला। ऐसा पांच टेबल करके गांव को ना पहुंच गए, आप खड़े हैं ना, एक नंबर का सामने गोल दिख रहा है। देखो हां, वो भैया ने बता दिया, वो भैया ने बताया अभी। भैया इधर का ये देखो, गदर वाला स्कूल देखो नीचे, कन्वर का है ना, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। हां हां हां, ये सहद्री के माउंटेन है, हाथ पकड़ो इसका, इसका नहीं छूते ना, ये सहद्री के माउंटेन है। सामने जो गांव है बिलान गांव है, पिकअप का गांव, हर घर में लाइब्रेरी है। मैंने यहां का क्लाइमेट क्यों अच्छा रहता है, आज चेन्नई एक्सप्रेस का कुंभन गांव बनाया था, जो शाहरुख खान की गाड़ी जाती है जंगल में से भागता है वो, तो पानी के अंदर वो आते। और एक बात है, और एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप हंसेंगे, फिल्मी बात कौन हम तुम्हारे ही सनम, हम तुम्हारे ही सनम, शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित जो स्विट्जरलैंड घूमने जाते है ना सर, वो देखो ये स्विट्जरलैंड है, पूरा इंडिया का बिना पासपोर्ट स्विट्जरलैंड बोलते है। अपने को कैसा बेवकूफ बनाते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये स्विट्जरलैंड, ये मिनिस्टर है ना शरद पवार, वो टाइम में सुनो भाई, सुन लो आमिर खान की शादी हुई थी किरण राव के साथ, वो टाइम में यहाँ के पूरे होटल उन्होंने पैक किए थे, एक भी होटल खाली नहीं था दीदी। तो और उसने क्या किया, उसकी शादी में हिल प्लाजा होटल, वहाँ उसको रिसेप्शन शादी हुई थी। ये जो सामने वाला आइसक्रीम वाला है ना, हमारे गाइड का पार्टी है, इनके मालिक को ऑर्डर दिया था। आप बोलेंगे क्यों दिया होगा, कितना वाड़ीलाल ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी का आइसक्रीम होते हुए इनको क्यों दिया? तो दीदी पुराने जमाने में फ्रिज नहीं थे, आइस नहीं था, तो वो आइसक्रीम कैसे बनाए थे, लकड़ी साचे में घुमा के हाथ से। अच्छा। वैसे ये लकड़ी साचे वाला आइसक्रीम है, ये लोग आप बोलेंगे पागल है, ठंडी में इधर बारिश गिरता है ना, बारिश गिरता है तो भी आइसक्रीम बेचते नजर आएंगे, क्योंकि इसको बोलते गर्म आइसक्रीम, मुंह में ठंडा पेट में गर्म। ये आइसक्रीम है ना, आमिर खान ने इनको 4000 आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था, चाहे आप टेस्ट करके देखो, खाने का तो खा सकते हैं, खाने का तो खा सकते हैं, नहीं खाने का तो मत खाओ, मैं ऐसा हमारा कुछ नहीं, लेकिन टेस्ट जो है फ्री है आपको। मैंने करा, मैंने टेस्ट करा, पहली गाड़ी वाली तने टेस्ट भी दी। तो यहाँ पे काफी सारी फिल्म्स की शूटिंग्स हुई है, जो भैया ने भी बताया, आप लोगों ने भी सुना होगा। और फिर ये पॉइंट्स देख के भैया ने हमें जो घोड़े गाड़ी से ड्रॉप कर दिया था केव्स के पास में, और वहाँ पे दो तीन केव्स हैं, आप देख सकते हैं टाइगर केव, तो वहीं चलते हैं और आपको मिलते हैं टाइगर केव पे। एंड यस फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है shashi.kumari, और ऊपर आ भी रहा है। हाय फ्रेंड्स, हम लोग आ रखे हैं, कहाँ पे आए हर्ष बताओ? हम आए हैं टेबल टॉप, है ना, टेबल टॉप आया टेबल पॉइंट, टेबल पॉइंट है, टेबल पॉइंट। और आप देख सकते हैं व्यू, हमारे साथ हुआ घोड़े का फुटबॉल खेलने के लिए सही जगह है, मैं यहाँ पे फुटबॉल लेके आता हूँ ना, उड़ा देता बॉल।
ये देखो फ्रेंड्स व्यू शानदार। ये हम पहुंच गए केव्स पे, टेबल टॉप पे। नीचे की साइड केव्स बने हुए हैं और काफ़ी ख़तरनाक सा खैर रास्ता है, बहुत रिस्की है, स्लिपरी है, तो बड़ा ध्यान से जाना होता है। नीचे ही एक रेस्टोरेंट भी है जो देख ही रहा है आपको, केव्स के अंदर बना रखा है छोटा सा सिंपल सा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सब उतर रहे हैं पकड़ पकड़ के पत्थरों को, एंड बहुत ही अच्छा है नो डाउट, लेकिन बड़ा रिस्की भी है, ख़तरनाक सा एक एडवेंचर है एक तरीके से। देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो काफी नीचे जाना है इसमें। चलते चलो, वो चलते चलो। ऐसे जा रहा है वहां पे, एंड ये पूरा जंगल है, जंगल जंगल। ये देखिए छोटा सा कैफे बना रखा है पहाड़ के अंदर ही, तो काफी अच्छा है। मीन्स एक स्टे रुको और थोड़ा सा चेंज आप रिलैक्स कर सकते हो पहाड़ों में चलने के बाद इस कैफ़े में। और इस कैफ़े से भी दो तीन एग्जिट एंट्रीज हैं, आप किसी तरफ से भी आ सकते हैं। और एक डमी यहाँ पे टाइगर और टाइगर जो है वो अंदर गुफा में लगा भी रखे हैं, जो बड़ा हॉरर था, डर गए थे हम लोग बीच में। तो ये कुछ केव्स हैं जो बनी हुई हैं टेबल पॉइंट पे, और ये हमारी कू सबको हाई कर रही है फ्रेंड्स, तो हेलो। एंड ये सारे भाई लोग यानी दीदी के बच्चे दोनों और मेरे बच्चे और भाभी की बेटी कुकू, तो ये लोग अपना फ़ोटोशूट करा रहे थे। मैंने कहा भाई तुम लोग भी फ़ोटोशूट करा लो अपना। तो ये हमने केव्स इंजॉय की। तो आज जो हमने मैं यहाँ पे ब्लॉग में रख रही हूँ वो है टेबल टॉप और एक पासी पॉइंट छोटा सा, तो वो दो हम इस ब्लॉग में दिखाएंगे। आगे फिर देखती हूँ एक या दो ब्लॉग जैसे भी रहेगा उसमें पार्ट्स में आएगा महाबलेश्वर का ब्लॉग। आज पंचगनी, कल देखते हैं पंचगनी अगर पूरा हो गया आज में तो ठीक है, अदरवाइज फिर पंचगनी कंटिन्यू रहेगा महाबलेश्वर के साथ। ये वापस हम केव से ऊपर जा रहे हैं और ये है एंट्री और एग्जिट दोनों कह लो, यहाँ से हम निकल गए थे टेबल लैंड जो है, यहाँ से टेबल पॉइंट जो है, और नेक्स्ट हम पहुँच गए हैं पारसी पॉइंट। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं, व्यू ऑलमोस्ट एक ही है, यहाँ से भी आपको लेक और वो सब दिखेगा, बट काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से काफ़ी सारी जगह ना पॉइंट्स बना रखे हैं, सेल्फी पॉइंट, पारसी पॉइंट्स। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे हम नहीं गए क्योंकि बात एक ही चीज़ थी, सब जगह से एक ही चीज़ दिखती है, पहाड़ पानी और ये सब। व्यू काफ़ी अच्छा है
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रख रही हूँ। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड फ्रेंड्स मेरे एक ब्लॉग पे 90K व्यूज़ हुए थे बट मैंने किसी कारण उसको डिलीट कर दिया है, वो भी एक दिन ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी क्यों क्या। बट प्लीज़ जिस तरीके से आपने उस ब्लॉग को मेरे प्यार दिया, सेम ही बाकी ब्लॉग्स को भी दीजिए। एंड यस, योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। अगर कहीं पर भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर मैं खुद अपने आप को देख रही हूँ, जैन से मैंने शुरू किया था और अभी दिसंबर हो गया है, एक साल होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंगली काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेरे में आया है ब्लॉग्स के अंदर। अगर आप भी कोई सजेशंस देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मिलेंगे कल ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड आप लोग रखिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान। और ये मेरी सिस्टर सब जानते हैं इनको, ये मेरे से बड़ी है एंड आई नो छोटी लगती है बट ये मेरे से बड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।